खबर मैहर जिले से है, जहां अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत झिन्ना से एक वीडियो सामने आया है, जहां गायों की दुर्दशा देखने को मिल रही है। ग्राम पंचायत झिन्ना के ककराहा टोला गौशाला में गाय के साथ हो रहा अत्याचार, जहां 5 से 6 गाय भूसा चारा ना पाने के कारण मर रही है। गाय गौशाला संचालित करने वाले गाय के लिए भूसा चारा के लिए जो भी राशि आते हैं उसे भी गटक जाते हैं। गाय को मारा भी जाता है, डंडे लाठी से मारपीट की जाती है गाय से। गाय के लिए खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है, सही स्थान पर गाय खड़ी नहीं हो पाती है, वहां उनका पैर गड़ जाता है, कीचड़ में जो कि फिर आगे बढ़ती है, गाय उसमें फंस जाती है। यह गौशाला के अंदर का हाल है, शासन प्रशासन ध्यान देने वाला नहीं है। अगर शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते तो गौ वंशों के साथ अत्याचार इसी तरह से होता रहेगा। वो जो गौशाला के अंदर गाय पड़ी हो काहे के लिए पड़ी है, कैसे वो गिर गई बताओ? गौशाला के कर्मचारी है ना आप, तो कैसे वो गिर गई गाय बता लाला, कैसे कैसे? अब जो चार समूह रहते हैं वहाँ, हाँ इसे बोल, कचर देते तो का हो, कचर दिए हैं तो मर गई। अभी जिंदा है, अभी जिंदा कलप रही हैं। यहाँ कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा ना, है यहाँ के जो समिति वाले हैं, ये गौशाला है कोई ध्यान देने वाला नहीं है, गाय मर रही है बिना चारा भूसा के, बताओ ये अत्याचार हो रहा है। वो यहाँ के कर्मचारी हैं जो बोल रहे हैं कि गाय वहाँ चली जाती तो कचर कचर मर जाती हैं, एक ही एक कचर देते, बांधने के कोई जगह ही नहीं, नहीं ऐसे ही है ठीक है। ये हमारी गौशाला में ऐसी गाय मर रही है, देख लो कलप कलप के देख देख के, ये छोटी सी गाय है कोई ध्यान देने वाला नहीं, गौशाला अंदर का खाली है, सुबह सुबह का वक्त है, देख लीजिए कहीं गाय बांधी नहीं रहती हैं, बोलते हैं चारा भूसा डाल रहे हैं, कुछ नहीं डाला हुआ, ये देख लीजिए ये गाय है, देख लीजिए कितना कीचड़ है कि गड़ जाती निकल ही नहीं पाती है, कोई देखने वाला नहीं है गांव में। ये दो चार ठो गाँव है उनके लिए खाना है, बाकी तो देख लीजिए सब खाली है मौसम। ये एक गाय मर रही है, ये मेरी गाय मर रही है देख लीजिए, बिना पानी खाना पीना के कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ये देख लीजिए गाय को जहाँ रहती है भूसा कुछ भी नहीं, अच्छा। और अंदर बांधना भी नहीं, बांधना नहीं, पूरे अंदर चले जाते हैं, इतना कहाँ तक घुसे जाते हैं गाय ने रात को अंदर, उसमें मट्टी दिन के निकल आते हैं, वो रात के भी बैठ जाते हैं इसी कांदे में, नहीं वो वाले अंदर वाले में, अंदर बाहर जाते, खाना देने के लिए वो मना कर देते हैं ना, जब देते हो तुम लोग तो जो लगती है उनको देना, वो बाकी नहीं जाना। इधर भी गौशाला जो बनी है, ये जो गौशाला बनी है सर देख लीजिए, यहाँ के एक कर्मचारी हैं, ये बता रहे हैं कि खाना नहीं देना, जो गैया लगती है उनको देना और बाकी नहीं देना है, बाकी सब मर जाएं, ऐसे ही है ठीक है दाऊ, बको खाना नहीं दे कहा तरह की खाना ना दो गैया को, मनेंद्र बोलता है तेज से बोल, मनेंद्र बोलता है, मनेंद्र बोल कि खाना नहीं देना है गाय को, तुम लोग कर्मचारी हो ना यहाँ के, बैठ रहता हूँ अब नहीं भाई। बैठ बताओ, तुमको भी बोल रहा था ना मनेंद्र के खाना नहीं देना है इनको, है तेज तेज बोल, बोलना ला जा ना, नहीं दे कहा था ना, जो सही बताओ तुम लोग यहाँ के कर्मचारी, तुम लोगों को क्या बोल। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288506 पर।
या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।